ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास में ठाकुर जी के विविध मनोरथ हो रहे हैं। सबसे खास मनोरथ ठाकुर जी के होता है नाव मनोरथ और सावन भादो का मनोरथ। सब इंतजार करते हैं वैष्णव जन कि कब ये मनोरथ होए और हम ठाट बाट से ठाकुर जी के नाव मनोरथ के और सावन भादो के दर्शन करें। जिलों की नगरी उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में नाव मनोरथ के दर्शन हो रहे हैं और वैष्णव जन की अपार भीड़ यहां पर उमड़ी है नाव मनोरथ के दर्शन करने के लिए। क्या खास हो रहा है इस मनोरथ में और क्या कह रहे हैं वैष्णव जन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठाकुर जी के आनंद ही आनंद हो रहे हैं और खूब आनंद में आह्लादित हो रहे हैं वैष्णव जन। बड़े लंबे समय के बाद ठाकुर जी का जल विहार हो रहा है। साल भर से ठाकुर जी के जल विहार की प्रतीक्षा रहती है वैष्णवों के मन में। आज ये मौका आया है और ठाकुर जी के खूब आनंद ही आनंद में विभोर हो रहे हैं वैष्णव जन। ठाकुर जी का जल विहार बहुत ही आनंदित करता है वैष्णव जनों को। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का ये मनोरथ हो रहा है श्रीनाथ जी में और सभी दर्शन करके खूब आनंदित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में उमड़े हैं वैष्णव जन और इनके चेहरे पर खूब आनंद ही आनंद दिख रहा है। विशेष रूप से जो ठाकुर जी का नौका विहार होता है, जल विहार होता है, वैष्णव जनों को प्रतीक्षा रहती है कि कब ये मनोरथ हो और कब हम ठाकुर जी के दर्शन करें। इसी मन भावना लेकर ठाकुर जी के द्वार आते हैं वैष्णव जन और ये दर्शन करके खूब आह्लादित होते हैं। सभी को ये आनंद उस रूप में आ रहा है कि ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं। जल में विशेष रूप से विभिन्न रूपों के पुष्प अर्पित किए गए हैं और विशेष रूप से जो इत्र हैं वो धराए गए हैं। चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, पुरुष हो, सभी में एक अपार उत्साह का वातावरण बना हुआ है और इसी उत्साह और आनंद के वातावरण में सभी यहाँ ठाकुर जी के उस रूप का दर्शन कर रहे हैं जो बहुत ही लंबे समय के बाद ठाकुर जी वैष्णव जनों को दर्शन देते हैं। यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में वैष्णव जनों को ये आनंद प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी का नित नेम का ये मनोरथ है और यहाँ ठाकुर जी विशेष श्रृंगार धारण करके नौका विहार कर रहे हैं और सभी ठाकुर जी को निहार रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं और मनोमन खूब आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी के विग्रह के बार बार दर्शन कर रहे हैं और मन में उस छवि को उतार रहे हैं कि ये छवि हमारे मन में बस जाए और ठाकुर जी हमारे जीवन में खूब आनंद करें। क्या महत्व है नौका विहार का, क्या महत्व है ठाकुर जी के जल विहार का, नाव मनोरथ का और क्या ठाकुर जी के नाव मनोरथ के साथ ही सावन भादो का मनोरथ होता है, उसमें भी सभी वैष्णव जनों को खूब आनंद आता है।
यहाँ सावन भादो मनोरथ भी होंगे, आगे नाव मनोरथ भी होंगे। 15 जून को घसियार में नाव मनोरथ का महोत्सव है और खूब आनंद ठाट से सभी वैष्णवजन ये ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और नाव मनोरथ के उपरांत यमुना जल में सभी वैष्णव को जो स्नान का आनंद मिलता है वो तो अलौकिक एक भाव जगाता है सभी वैष्णव जनों के मन में। और यहाँ यही दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के आज नाव मनोरथ हुआ है और इस नाव मनोरथ के पवित्र जल में सभी वैष्णव स्नान कर रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, महिला हो पुरुष हो, सभी में ये आनंद का भाव, ये जल का जो स्नान है वो जगाता है। सभी आह्लादित हैं, उमंगित हैं और सभी ठाट बाट के साथ में ये जल का स्नान कर रहे हैं। पवित्र जल हैं ठाकुर जी का, नौका विहार का, जल विहार का, नाव मनोरथ का, ये यमुना जल में स्नान कर रहे हैं हजारों की संख्या में जो भक्त नाव मनोरथ के जो दर्शन करने के लिए आए थे, और अब उस पवित्र जल में स्नान करके खूब आनंद का भाव जगा रहे हैं। कैसा आनंद हो रहा है भक्तों के मन में और क्या आनंद का भाव यहाँ पर दर्शा रहे हैं भक्त वैष्णव, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठाकुर जी का आनंद ही आनंद हो रहा है यहाँ, ठाकुर जी का नाम मनोरथ हुआ है और इस नाम मनोरथ में वैष्णव जन खूब आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी का जो पवित्र जल है, शीतल जल है, उसमें खूब आनंद ले रहे हैं वैष्णव जन। जल भरा जाता है जिसमें विभिन्न तरह की
ज्येष्ठ महीने के सबसे बड़े मनोरथों में नौ मनोरथ आता है और ठाकुर जी ने आज नौका विहार किया और उसके बाद यमुना जी बाहर बह रही है, सभी वैष्णव लोग इसका आनंद ले रहे हैं और यमुना जी में अब तक ठाकुर जी विहार कर रहे थे, अब वैष्णव विहार कर रहे हैं। ये सुख है हमारा वैष्णव का। ठाकुर जी नाम विराजे हैं, भक्तों ने खूब आनंद लिया गंगा जी में स्नान करके सभी ग्वाल बाल बहुत हर्षित और उल्लासित है। प्रभु ने कृपा करी है और वर्ष ऋतु का आगमन बहुत जल्दी ही होगा। प्रभु कृपानाथ सब पे कृपा करे, सबको आनंद हो। कैसा आनंद आ रहा है? मनोरथ का बहुत आनंद आ गया है। बताओ कैसा आनंद आया? बताएं कैसा आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। इस उत्सव का हमें साल भर इंतजार रहता है, नाम मनोरथ उत्सव का, बहुत मजा आता है। बताओ कैसा आनंद आया? सब लोग बहुत खुश होते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत सौभाग्य अपने आप को मिलता है।
तो कैसा आनंद आया है? आयरो दो मिनट यहाँ पे आते रहते हैं हाँ, और बहुत ही आनंद है हाँ, और बच्चों ने और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, अच्छा अनुभव। हाँ बताओ कैसा आनंद है? आनंद आया एकदम। हाँ तो कैसा आनंद आया है आज? उत्सव था, बहुत आनंद आया, बहुत ठाकुर जी ना उत्सव में बिहार करा, यमुना जी में स्नान करा, आज का जो पानी था बहुत अच्छा था, यमुना जी से बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर आनंद आया है आज। आज बहुत आनंद आया, आज नाव मनोरथ था और ठाकुर जी नौका विहार की नाव ठाकुर जी ने और सब भक्तों ने बहुत हजारों की तादाद में दर्शन किए और हमने भी दर्शन किए, दर्शन करके हमारा मन प्रसन्न हो गया और बहुत आनंद आया। जी बताएं, दर्शन करके हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत मजा आया। बोल सिंहराज धरण की जय। आनंद आया जय श्री कृष्ण ठाकुर जी, बहुत आनंद आया ना उत्सव का आज, सभी ने बहुत आनंद किया, ठाकुर जी घर में स्नान किया सभी ने, नवा मनोरथ का बहुत आनंद आया, बहुत सबको सब दर्शन दर्शनार्थी बहुत आए, जय श्री कृष्ण। अच्छा आनंद आया, श्री जी बाबा के दर्शन हुए, खूब अच्छे बड़े भक्तजन आए और खूब अच्छे दर्शन हुए। बताओ आनंद क्या विशेष मनोरथ है ठाकुर जी के? नाम मनोरथ है। हाँ और कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। कैसा आनंद आया? आज बहुत आनंद आया है, आज जमुना जी बनी है, सुना जी है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ बताओ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ नौका विहार के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं आज, क्या है नाव नाव मनोरथ हो रहा है, बहुत अच्छे मजा आ रहा है, मनोरथ हो रहे हैं श्रीनाथ जी के, आज नाव मनोरथ हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है दर्शन करने में, बहुत भीड़ है, हद से ज्यादा भीड़ है, दर्शन का आनंद लेने के लिए आए हैं। पहला मनोरथ है श्रीनाथ जी मंदिर का, बहुत ही अच्छा मनोरथ और सुंदर आयोजन। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, गर्मी की ऋतु है और नाम मनोरथ हो रहा है, नाम भी याद कर रहे ठाकुर जी, आनंद ही आनंद है, बोलो जैसी आनंद आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद। हाँ आज क्या है खास? नाव उत्सव के दर्शन हुए, नाव उत्सव के दर्शन हुए, वाह जय हो। ऐसी गर्मी के अंदर और यमुना जी ऊपर से भी पधार गए और अंदर भी पधारे हुए हैं, आज यमुना जी ऊपर से भी पधारे। बहुत ही आनंद आ रहा है श्री के नाम के मनोरथ का, वर्ष में एक ही बार ऐसा दुर्लभ और अत्यंत आनंददायक जो दर्शन होते हैं, ठाकुर जी नाव में मनोरथ करते हैं और सभी को आनंद प्रदान करते हैं, मन पुलकित हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की ऐसी कृपा वैष्णवों पर भक्तों पर बनी रहे, ठाकुर जी से ऐसी कृपा। श्रीनाथ जी की नगरी में शानदार प्रदर्शन, नाव मनोरथ का आनंद लीजिए, जय श्री कृष्ण। आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा, ठाकुर जी की कृपा से आनंद ही आनंद है और भगवान सब दर्शन का लाभ ले, देखो में ज्यादा ज्यादा बता रहे दर्शन का लाभ ले और भगवान ऐसी इच्छा हर साल करे तो ऐसे सब काम बड़े मनोरथ पूरे हो रहे। जिलों की नगरी उदयपुर में नाव मनोरथ हो रहा है, ठाकुर जी का जल विहार और आज ठाकुर जी के जल विहार के दर्शन करके
वैष्णव जन खूब अभिभूत हैं। ऐसा ही जो ठाकुर जी का दर्शन का लाभ 15 जून को घसियार मंदिर में होगा, नाव मनोरथ, खूब वैष्णव जन दर्शन करेंगे और इस नाव मनोरथ का घसियार में भी खूब आनंद लेंगे। कैसा आनंद आया है नाव मनोरथ का? अच्छा आया है। नाथी में साल भर तक हमारा इंतजार रहता है नाम मनोरथ का। भगवान आप जैसे नाव में हो हमको भी वैसे बहुत सारी बरसात पानी देना, हम भी नाव में बोटिंग करें। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत बड़े आनंद है, बहुत बड़े दर्शन हुए। बताओ जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, ठाकुर जी ऐसे सब पे कृपा करे। कैसा आनंद आ रहा है? नाव का मनोरथ हो रहा है यार, आज बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आप आज नाव मनोरथ का हमारे बेटी साहब ने रखे हैं, बहुत मजा आया है, एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। जय श्री कृष्ण। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ गया। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। आज क्या विशेष को ले रहा है, चल रहा है उत्सव है। बताओ भाई आज बड़े आनंद है, नाव उत्सव में बढ़िया ठाक है, खूब बढ़िया। बताओ कैसा आनंद है? बहुत अच्छा आनंद है, नाव मनोरथ की तो बात ही अलग है, सिन्हा जी के नाव मनोरथ की तो बहुत सबको इंतजार रहता है। जय श्री कृष्णा। आज हमारे यहाँ सिन्हा जी मंदिर उदयपुर में नाव उत्सव का मनोरथ है, आज ये मंदिर की तरफ से ही होता है और 15 तारीख को घसियार में भी नाव उत्सव है और आज नाथवारा में भी नाव मनोरथ है, सब जगह आज मंदिर की तरफ से ही होता है। तो ये हमको साल भर से इंतजार रहता है कि भगवान नाव में नाव उत्सव हो, नाव में पधारे। और कैसा आनंद आता है? बहुत मजा आता है और बाद में जब पानी छोड़ते जब बहुत मजा आता है, ठंडा पानी और खुशबू वाला इत्र का और जो नहाने का मजा आता है बहुत ही अच्छा होता है। बताओ बहुत अच्छा होता है, साल भर इंतजार रहता है। आप हुआ है